हेलो गाइस, आज की वीडियो में जो कंसल्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ वो आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा, ठीक है। और बाकी आप वीडियो को थोड़ा देखते हो फिर इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, फिर आप कहीं जाके फंस जाते हो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखना फिर कहीं फंस मत जाना, एफ घी वाला जी घी वाला, क्योंकि घी वाला काफ़ी है, ठीक है। इसलिए पहले वीडियो को देखो, पूरा देखो, उसके बाद बताओ कि क्या सजेशन है तुम्हारा। ओके, तो वीडियो में किस कंसल्टेंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आज, एम घी वाला के बारे में, ठीक है। तो कैसी कंसल्टेंसी है ये बताएंगे। एम घी वाला ये ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ऑफिस इनका किधर किधर है, महाराष्ट्र में है और भी होगा तो महाराष्ट्र मुंबई में है, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट में ऊपर सोशल मीडिया अकाउंट है इनका, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, ठीक है। अगर इधर से आपको व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इनको कांटेक्ट करना है तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी इनका किधर किधर कांटेक्ट है और लॉगिन वगैरह सर्च जॉब कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे ही पूरा तुम्हारा सिस्टम है, इधर ही से कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी इधर ही पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कॉल करना है तो मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, क्या है, 202 सेकेंड फ्लोर मुंबई मार्केट, टार देव रोड, मुंबई सेंट्रल, वेस्ट मुंबई 35, ठीक है। इधर आप जा सकते हो अगर आपके नियरेस्ट है। बाकी अगर कंपनी के बारे में और कुछ जानना है, GCC के हैं सिर्फ, ठीक है, गल्फ कंट्री का है, यूरोप वगैरह नहीं है, ठीक है। और क्लाइंट के बारे में जानना है, क्या क्या क्लाइंट है आवर क्लाइंट, ठीक है। ये रहा क्लाइंट कौन कौन से, इनके सारे अरबी की कंट्री में है, ठीक है। तो अगर आपको अरबी कंट्री में जाना है तो ये कंसल्टेंसी आप चुन सकते हो, काफ़ी अच्छी कंसल्टेंसी है। पेबल जो अपना सिक्योरिटी अमाउंट है ये भी काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है, आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। और गैलरी में जाना है और कॉन्टैक्ट अस करना है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। इधर से इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये रहा, मे बी इनका न्यू दिल्ली और मुंबई में है, दोनों एड्रेस सामने पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और ईमेल आईडी ये भी सामने पे दिखी हुई है, ठीक है। तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना बजट देख के जाना और कंसल्टेंसी पे एकदम से पैसा मत देना। जब तुम्हारा इंटरव्यू हो जाएगा अच्छे से, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा वीज़ा आ गया तो पेमेंट करो, उससे पहले मत करो, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके।